आपको ओवम पिकअप के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ओवम पिकअप IVF की प्रोसीजर में इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट को स्टिमुलेशन करने के बाद अंडर एनेस्थेसिया ओवम निकालने होते हैं, जो सोनोग्राफी गाइडेंस के अंदर करते हैं। ये ट्रांसवजाइनल प्रोब है सोनोग्राफी का, और ये है बायोप्सी गाइड कि जिसके अंदर हम ये 17 गेज नीडल इंसर्ट करके सोनोग्राफी गाइडेंस में ओवम पिकअप करते हैं। ये हीट स्टैंड है, ये हीट ब्लॉक्स है, और ये टेस्ट ट्यूब्स है कि जिसमें हम फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट करके कलेक्ट करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं। एंड नीडल का है वो ट्यूब में यहाँ अटैच करते हैं, दूसरा सक्शन पंप का एक ट्यूब है, दूसरा यहाँ अटैच करते हैं। फिर ये ट्यूब है, यहाँ से सक्शन पंप से अटैच की है, ये सक्शन पंप है, सक्शन पंप से अटैच पुट्टी है जिसको हम प्रेस करके अंडर 1 pound की प्रेशर फॉलिकल्स एस्पिरेट करते हैं। ये राइट ओवरी है, राइट ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स है जो ब्लैक दिख रहे हैं कंटेनिंग फ्लूइड, ये मल्टीपल फॉलिकल्स है, दिस इज स्टिमुलेटेड ओवरी। और ये है लेफ्ट ओवरी जो जिसमें मल्टीपल फॉलिकल्स है। अभी मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। एक प्रिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स एस्पिरेट करते हैं। ये जो नीडल है, नीडल की टिप दिख रही है ब्राइट व्हाइट है वो, और अभी मैं फॉलिकल बीएस कर रही हूँ, उससे फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट हो रहा है, ट्यूब में जा रहा है, दैट फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड में एग होता है, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये फ्लूइड को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके उसमें से एग्स ढूंढ निकालते हैं। और इसमें मिनिमम पंक्चर करके मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकाले जाते हैं। अभी मैं लेफ्ट ओवरी एस्पिरेट कर रही हूँ। पोस्ट पिकअप अपीयरेंस ऑफ ओवरी, जो सब फॉलिकल से वो सब एस्पिरेट कर दिए गए हैं।